हमको दे दे जो हम धन का यहां का फल आया है मां वाह रे मोर राजा आया है कहीं का तकाली सब पर भरत हुआ है मां चल ना सा करो कोई नहीं भैया ना सर कौन के हां तो बताइए पोहा पोहा बनाइए पोहा आराम से खाना रख लेना रखना नहीं जो भी उसको खाओ बाटा बाटा खाओ अरे मेरे आ रहा है दे ही हम नहीं देंगे ले पागल वो क्या कर रहे हो लेता जूठा कहीं खा मैं लखाऊं अरे तुम उधर रखो इसको और इसको खाओ बस रहे तो ऐसे थोड़ा सा खा लो ना बाकी कमाए हरा दाना है चोर हो चाहे मोर हो अधिकारी के यहाँ आए हैं पागल तो सोच विचार के काम करना चाहिए मेरा इज्जत ले रहे हो तो तौर इज्जत तब ना लेता हूँ भैया नहीं लेता पाल पाऊँ घर तू झोरा होते भैया झोरा ना घर में करा होगा जिसे लक्कन था लक्कन का घर उन्दा दे भैया झोरला लकन कधार वची से करम माया हमारा ले सोन सिंह के हाथ है घर ले सही सत रहा दी जब खला लगा ही तो छोड़ा भी जब उसको कर बेधारा इस कर था और बाजार में इसमें मेरे को क्या पता यार अब सर से मीटिंग होता रहता है मेरा हमेशा अब उनसे तो पहली बार मुलाकात हो रहा है मेरा तब मैं क्या जानूंगा भाई तो फोन में तो बात कर रहे हैं अरे तो सर से बात होता है मेरा अब उनसे थोड़ी बात होता है भाई अब मैं पहली बार मुलाकात हुआ है अब सर से क्या है सर जिंदगी महसूस करेगा क्या पूछूं उनसे अब हाँ ठीक है अकेले में कभी वैसे मीटिंग हो तो मैं पूछूंगा उनसे हाँ, बाकी अभी पूछेंगे तो थोड़ा सा घर में मेहमान है ना हाँ, अपमान नहीं करते हूँ हाँ ठीक है वाह है मूर्ख आई काई काई ने बता था हम दादा दोनों जोड़ी जोड़ा ताई काई हम दोनों जोड़ी जोड़ा बताते हैं सब तोर मुंह था तो मुंह तो जूठा जूठा है पानी मांग के धोए नहीं दे अरे आराम खोर काई आराम खोर ये बड़े अधिकारी घर में आए हो राम भी किसी अधिकारी के घर वाली है क्या बताऊं मैं ठीक है अच्छी बात है कोई बात नहीं ठीक हां तो बनाए ले आता घर मारे बोला तो दबाव दे पे और घर वाले है वाह तो खा ले ढार मट्टा मट्टा का खाए काई जाने ठीक है भैया कार्यक्रम तो हो गया कार्यक्रम अच्छा है तो बुझा दे ढमाल तो आज रुक जाते हैं मैं तो रो रहा लगता है फिर रह जाएंगे नहीं तो हमारे घर पे निकलेंगे हाँ ये निकल ही मैं तो रहूं ये निकल ही आते हैं कि निकल भी ये चुप रह रहे हैं तो बताने दो निकलेंगे सर कभी फिर आप समय आएगा बताएंगे जो भी ऐसा चलिए ठीक है तो जाइए भैया जो भी हमारे से गलती हुआ होगा उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं हम क्षमा नहीं कर दादा ठेक धक्का रगड़ भगवान से क्षमा कर नहीं तो इसने कहते हैं ना रगड़ ही ठेक धर के कहा हम तो मैं कम सब जो हमसे गलती होगा उसे आप क्षमा करेंगे बोला झोर में धर ले तो से कोई गलती है हुई चला आई का कहीं सुनिए ना सर जी ये भाभी को थोड़ा सा आप नहीं समझाते नहीं आपको पढ़ी लिखी नहीं है पढ़ी लिखी है दादा रे और तक पढ़ाई एक दिन में तो एक बच्चे झोरा ना पढ़ाते रहे हम एक झोरा पीता आप बताइए आप कितने विभाग में अधिकारी हैं आई में तीन थे हथियार फेंक के चार थे मैं नहीं उतर हूं मैं कक्षा ऐसा पढ़े ना ये अकेला कथस्त है अब एक खर्च गा के हम तब आए तो मत बाबा उधर रहा रहे हो भाई ओ फरवड़ किया ए पागल ए रहन दे मोर
सर कायम हम सर तो दिखाए गए हम तो सर को बचाओ तुमको होश हाथ से बात करना चाहिए सगाई तो भी हो तो आए हो बात कर दूं तो कैसे लाए नहीं हो तो सोच जाते मैं हो तो हो अच्छा सर जी आप अच्छा भैया तो हम जाते ना हम मेरा भी रह जाइए ठीक है जाते भैया भी रह जाइए ठीक है सर हाँ गाड़ी उड़ी छूट जाते हैं भाई अपने आप ल समझना भाई मैं कखरो बारे बिहाती हूँ तोर घर आ गए तक मतलब कहे देखो भाई हरे जान थे फिर कहीं नहीं समझ को बात समझ रहा हूँ कहा समझता मेरे घर वाले हो हाँ अब भाई तो आया ही हूँ दीपावली के बाद में नहीं तो मैं देखा हूँ देखा चलो चलता चल शुक्र तोर बिना करे अपना नाथ मंगा करे जादे खवाई गे है नहीं गे अपन धीरे धीरे ले छी तो लय अभी लई जे बता बता आइन बता दिया फिर नहीं बता सुन और चाल ला बता हूं ना कैसना चाल आए धान ला तो चाल दार है ना वाले बाल ला अच्छा ये बताता है चल का तू घर में घर में पहुंच गए हां अब तो अभी जरा भगवान सुनो माया घर वाला नहीं ले जा पा हां ले
अरे आप फिर आ गए भाभी।
कृष्ण करो तो अपना छोड़ के भाग। लड़ाई हो गई थी क्या? कहा जानू नहाए मर जाते जरूरी है, मीटिंग हो गई के छोड़ के भाग गई से जा वसा हफ्ते तो नहीं जाएगी यही से कहे। अच्छा तो आपको छोड़ दिया है? हाँ। तो घर तक छोड़ दूं मैं आपको? चलिए ठीक है बिटू की मम्मी। सर शायद मीटिंग में चले गए हैं। हाँ। तो इनको इनके घर तक आप छोड़ा हो? इतना दूर? हाँ जाओ जाओ साथ में जाएंगे। आते टाइम मैं तो अकेली हो जाऊंगी ना। मैं आते टाइम आपको मैं ले लूंगा, मैं भी मीटिंग में जा रहा हूँ। हाँ। वापसी में आपको वहाँ से मैं ले आऊंगा। हाँ ठीक है। आप छोड़ दीजिए। मीटिंग में जा रहे जरूरी मीटिंग है उसका। हमरो मीटिंग हो गए तो दिल्ली में आता तो ही जान देते घर पर रहे लक्ष्मण देख दादा। चल बाबू तय पहुंच जाए दे मोला। अरे भाभी मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं नहीं समझा सबको समझा दे के रक्षा में मलाई करवा डाक या पर तो जाना ही पड़ेगा। कहां जाता भाई? हाय नहीं के सबर। चल बाबू ने पहुंच जाए दे भैया देखी परान ले जाई पे देखी परानी दुई जन हई जाबो त का जान रस्त में कैसे ना कैसे होबो आए सक्षम जो नहीं। चलिए ठीक है तो मैं उधर इस तरफ से मीटिंग में चला जाऊंगा। चलिए मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। हाँ चल तो दादा चल। चलिए हेलो ये गाएगा मोरे भैया भौजी बनाए चुके चुकले ये गाएगा मोरे भैया भौजी बनाए चुके चुकले लटपट में पाया भोला लटपट में पाया भोला भौजी रूप दुवे गाने भैया ये गाएगा मोरे भैया भौजी बनाए चुके चुकले ये गाएगा मोरे भैया भौजी बनाए चुके चुकले अरे भैया हवस यार। हेलो कौन है बा? सुनिए बाहर तो आइए। हम कहा सही ठहर गए सब तरफ नहीं तरस नहीं हम आए हैं दंग संग कौन हम आए हैं तो नहीं तबा आप साथ रहिए ना मैं बात कर रहा हूँ। अरे तहसीलदार साहब। अरे नमस्कार भैया। अरे नमस्ते। अरे यार आप रास्ते में भाभी को छोड़ के चले आए आप? हाँ थोड़ी ज्यादा जरूरी है। अरे आप कहाँ कैसे? अरे तो भाभी फिर लौट के हमारे यहाँ चली आई रही ना। कहाँ आपके यहाँ? हाँ मेरे यहाँ। अरे आप कहाँ की कहाँ उनके चक्कर में फंस गए हैं आप? अरे नहीं बता रही थी कि रास्ते में लड़ाई कर रहे थे और मारपीट भी किए हैं ऐसे करके भाई। जब आप आ गए हो तो बता नहीं पड़ेगा। अब मेरे इज्जत ही डाउन कर दिया और उनको नहीं रखना चाहता हूँ। कहीं इज्जत ना कहाँ रख रहे थे डाउन होगी है हल्ला मत कर। अरे इस चीज को आपको पहले सोचना चाहिए रहा। सर अब क्या बताऊं मूर्खो नामना प्रभो पाए शांति पाए पान संत नाम के और रिस पर तो ये मूर्ख मैं क्या जानू अच्छी पढ़ी लिखी है करके और मैं मास्टर कर्मचारी हूँ मैं भी आप जानते हो और इनको अपना लिया और ये छक्का से गए दिन छक्का है सत्ता है कि हाँ तो सत्ता
सुनिए सर, आप भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी टाइम है। आप गांव गांव में अभी गंदा फिटवाऊं कि मैं आप निकाल के घर से निकाल दूं? नहीं नहीं नहीं, घर से आप मत निकालिए, कहाँ जाएगी बेचारी वो? अब जाए वो अपने मई के। नहीं नहीं, ये गलत बात है, आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप भी उनको समझाइए, कुछ शिक्षा आप भी दीजिए, कुछ गांव गांव में अभी आंगनबाड़ी खुला है उसमें भेजिए आप। अब क्या बताओ, आंगनबाड़ी में भी जा रही है तो आंगनबाड़ी में भी नहीं पढ़ रही है। आप भेजेंगे और आप समझाएंगे तो पढ़ेगी ना, काहे नहीं पढ़ेगी? अब कितना आंगनबाड़ी, अरे क्या बता, मैडम से भी लड़ाई कर रही है आंगनबाड़ी वाली। नहीं अब आप करेगी ना, अब मैं समझा दिया हूँ ना। अब क्या मालूम आप समझाए हैं नहीं समझी है, मेरा तो दिल फट गया भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं बता दूँ, मतलब छतर एक समझाए थे इसे हमार दबाने तो अब तमोर बात न सुन बे, जो समझाए थे इसे मैं तो लगा कछु नहीं कहूँ और माया नहीं, अब नहीं कहूँ कछु मतलब राखीले न भैया मतलब राखीले न हो राखीले जितना मूर्ख हो तुम ना, नहीं समझाते समझाते तो मैं नहीं रखूंगा, मैं पूरा पढ़ कर दिया नहीं रखूंगा, जाओ। ऐसे है दाई दादा हो, जितना सुन तो जितना देख तो ते अपन बिटिया ले जरूर पढ़ाई हो, अनपढ़ के न पढ़े दिखे के कारण अनपढ़ हो तो मोला तरह तरह के हमार घर के गाल देते। ऐसे झल करवा हो, अपन बिटिया ले जरूर पढ़ाओ कम से कम आठवीं तक। सुनने मैं सब ला बताई हूँ पढ़े लगा के, मोर माया मोला भी सार डरे